नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं एंटी करप्शन लेक्चर सीरीज के अंदर, खासकर सेक्शन 120B आईपीसी के ऊपर। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके जरिए एंटी करप्शन का इन्फेक्शन पब्लिक सर्वेंट से किसी अन्य पब्लिक सर्वेंट पर या पब्लिक सर्वेंट से किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति तक ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, एक षड्यंत्रकारी योजना के तहत कार्य कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये एक अनड्यू बेनिफिट उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट। इन सिंपल वर्ड्स वी मे सेड दैट इन अ क्राइम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट देयर आर टू और मोर देन टू पर्सन हु आर हैविंग अ कॉन्स्पिरेसी हैविंग अ प्लानिंग टू कमिट द क्राइम specifically with reference to prevention of corruption act and the important point is that while having the meeting of mind they are deliberate in committing the crime under the prevention of corruption act jis karan se 120B IPC jo hai yahan par incorporate ki gayi hai sabse important baat jo aapko samajhni hai 120B IPC ka jo origin hai ye ho gaya tha 1860 mein jabki anti corruption act ka jo origin hai ye hai 1988 और सब्सिक्वेंटली जब ये अमेंड हुआ तो ये हो गया 2018। तो इतने नए कानून में ऐसी क्या खामियां रह गई कि पुराने कानून का जो है सहायता लेनी पड़ रही है, ये भी आपको जो है समझना होगा। इसका मतलब जो गवर्नमेंट पहले की थी वो ज़्यादा समझदार थी, जो गवर्नमेंट अभी की है उसको ये नहीं पता कि नए एक्ट में हम भी कॉन्स्पिरेसी के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो क्या कारण है कि अभी भी पुराने कानून के ऊपर निर्भर किया जा रहा है। यहाँ पर आप सबका ध्यान मैं सेक्शन 4 और सेक्शन 5 CRPC की ओर दिलाऊंगा, जो ये कहता है कि जब प्रावधान स्पेशल एक्ट में होंगे तो हमें उस पर जोर देना है, जब प्रावधान स्पेशल एक्ट में नहीं है तो वहाँ पर जनरल लॉ जो है प्रिवेल करेगा। IPC क्या है? यहाँ पर जनरल लॉ, नोट कर लें आप। और PC Act क्या है? स्पेशल लॉ। तो कॉन्स्पिरेसी के प्रोविजन जो है स्पेशल लॉ में नहीं रखे गए, जिस कारण सेक्शन 4 और सेक्शन 5 CRPC के अनुरूप या उसके अनुसरण में इस प्रोविजन को जो है इनकॉर्पोरेट करके जोड़ा जाता है। पर 120B लग जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि साथियों कि आप जो है मुलजिम बन गए। इन्फेक्शन दिखता बड़ा है, बट अगर छोटी सी बातों को समझ लिया तो यह इन्फेक्शन अभी का अभी खत्म होने की स्थिति में है। 120B से अभिप्राय क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, टू और मोर देन टू पर्सन, किसी क्राइम को करने के लिए योजना बना रहे हैं। दे आर डूइंग द लीगल थिंग्स इन इलीगल मैनर और इलीगल थिंग्स इन द लीगल मैनर। उदाहरण के लिए अगर कहीं बम विस्फोट हुआ और ये मालूम पड़ता है कि एक व्यक्ति ने तो बम विस्फोट करना कैसे है उसकी योजना बनाई, एक ने इसके लिए मटेरियल प्रोवाइड किया और एक ने जो है विस्फोट किया, भले ही योजना बनाने वाले मटेरियल सप्लाई करने वाले मौके पर नहीं थे बट उनका भी क्राइम में योगदान है, तो उसको हम कहते हैं प्री मीटिंग ऑफ माइंड की आपस में एक योजना बनाते हुए उस प्लान पर काम करते हुए ये लोग जो है आगे बढ़े। एंटी करप्शन ब्यूरो ये कहती है कि जो ये व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है ये प्राइवेट व्यक्ति के थ्रू जो है रिश्वत ले रहा है, खुद नहीं ले रहा है। तो इन दोनों का आपस में एक मीटिंग ऑफ माइंड है, ये दोनों एक योजना बना के काम करते हैं जिसके तहत ये तो पैसे मांगता है और ये जो है प्राप्त करता है, जिस कारण ये भी उतना ही जिम्मेदार है जितना ये है। जरा सोचिए कि आपने क्राइम करा नहीं, आपने डिमांड करी नहीं, और कई बार ऐसा भी होता है कि इनोसेंटली अपन पैसे लेके आ जाते हैं तब भी ऐसे क्राइम में फंस जाते हैं और 120B IPC की सहायता से मेन ऑफेंस का हवाला देते हुए हमें एक कॉन्स्पायरेटर का टैगिंग देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो जो है अरेस्ट कर लेता है। आपका अरेस्ट, आप पर की गई कार्रवाइयाँ जो है इलीगल है। ये क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो बेसिक टेनेंट है वो यही है कि देयर शुड बी अ प्री मीटिंग ऑफ माइंड। प्री मीटिंग ऑफ माइंड कैसे? क्या लगातार फ़ोन जा रहे हैं? ये भी कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। क्या उन फोनों की रिकॉर्डिंग एंटी करप्शन के पास में है? ये भी स्थिति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, इवन द एंटी करप्शन हैज़ नो राइट टू मेक द इंटरवेंशन, क्योंकि सेक्शन 5 सेक्शन 26 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। जब हम अगला एपिसोड डिस्कस करेंगे तो इस पर एक डिटेल्ड पार्ट जो है डिस्कस किया जाएगा, पर अभी हमें समझना है कि जब तक प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है
और महत्वपूर्ण बात, जहां पर ट्रैपिंग कार्रवाई की जा रही है वहां पर व्यक्ति इंडिपेंडेंट मौजूद होते हैं, पर उन्हें रखा ही नहीं जाता है, उनसे पूछताछ ही नहीं की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिसको आप ट्रैपिंग कर रहे हैं, नियम 47 सीबीसी के हिसाब से आप उससे एक डिटेल्ड स्पष्टीकरण उन एविडेंस पे लेंगे जो कि आपने कलेक्ट की है, जिसके आधार पर आप ये कहते हैं कि दे आर द इंक्रिमिनेटिंग पर्सन, दे आर द सस्पिशियस पर्सन। वो है ही नहीं, वो होती ही नहीं है, उसके बावजूद भी आपको जो है फल भुगतना होता है। मैंने रिसेंटली एक मामला देखा जहां पर एक व्यक्ति को इस आधार पर ट्रैप आउट किया गया कि उसने रिश्वत की मांग करी और उसके साथ कई अन्य व्यक्ति भी डेलिबरेट थे और कॉन्स्पायर्ड थे। अब वहां तो ना तो एसीटी को कोई साक्ष्य मिली और ना ही कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ने उन्हें एग्जामिन करे, ना ही मुलजिम का स्पष्टीकरण लिया, ना ही नोट उससे बरामद हुए, और अल्टीमेटली ये कहते कि नहीं साहब, चूंकि आप सब आपस में साथ जा रहे थे, कहीं ना कहीं साथ बैठे हुए थे, देन यू आर कॉन्स्पायर्ड। अगर ऐसा ही है फिर तो हर व्यक्ति कॉन्स्पायर्ड है। अगर किसी से मिलना बातचीत करना भी गुनाह है तो फिर सामाजिकता व्यवहारिकता रहेगी कैसे? तो कहने की बात यह है कि कोई एक्ट तभी क्राइम बनेगा जब इसके पीछे दुर्भावना हो। इसके पीछे क्या हो? दुर्भावना, जिसे हम कहेंगे मेंस रिया। 120 बी में भी ये एप्लीकेबल है कि दो व्यक्ति डेलिबरेटली कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, डेलिबरेटली प्लानिंग कर रहे हैं, उनका प्री मीटिंग ऑफ माइंड है और इसके साथ साथ मौके की कॉरोबरेटिंग एविडेंस है। और कई बार ऐसा भी होता है साथियों, ये नोट करना, कई बार ऐसा भी होता है कि ए को पकड़ लिया और ये कहते हैं कि जैसे ही हमने उसको मारा कूटा या जैसे ही हमने उसको तसल्ली देके पूछा, दोनों ही बातें पॉसिबल हैं, तो वो घबरा गया, उसने जो है पैर पकड़ लिया और कह दिया, अरे भैया हमको छोड़ दो भैया, हमसे गलती हो गई, हमने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो तो बी ने किया है, और कई बार आपका नाम जो है ले लिया जाता है। इसमें सेटेड लॉ सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, 7 दिसंबर 2021 का, नेट पे इजीली अवेलेबल है, जाके मिल जाएगा आपको, कि कन्फेशन और एनी स्टेटमेंट गिवन बाय द अक्यूज्ड अगेंस्ट यू, जहां पर 120B का चार्ज इंकॉर्पोरेट होगा, वो एडमिसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, मौके की कॉरपोरेटिंग एविडेंस नहीं है। तीसरी बात, एविडेंस इंडिपेंडेंट नहीं है। चौथी बात, आपका स्पष्टीकरण नहीं है, तो 120B एप्लीकेबल नहीं होगा। और ऐसे ही मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज को जो है एक्विटल करा, भले ही वो ट्रायल कोर्ट से कन्विक्टेड था, भले ही वो हाई कोर्ट से कन्विक्टेड था। तो कहने की बात यह है कि अगर हम लीगली अपडेट रहेंगे, प्रोविजन को समझेंगे, तो हम अपना केस इजिली पुटअप कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, घूमते रह जाओगे। तो डोंट बी अ सरफ एक्सेल, बी अ स्ट्रॉन्ग लिटिगेंट। लड़ना सीखो, इन पॉइंट्स को कैप्चर करो, अपने पिटिशन का पार्ट बनाओ, अपने रिव्यू का पार्ट बनाओ, सैंक्शन का जब ड्राफ्ट लिखते हो उसका पार्ट बनाओ, और इस रूलिंग को रिलाई करते हुए आगे बढ़ो। कोई तकलीफ आपको जो है नहीं आनी है। तो साथियों, अगर टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।